नमस्कार, हम कर रहे थे रैखिक अवकल समीकरण। आज हम रैखिक अवकल समीकरण पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था। तो इक्वेशन है x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जीरो। अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले इस समीकरण को अगर हम देखें तो y में रैखिक है, तो y में रैखिक है तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे dy बाई dx। तो एक बात हम लोग पक्षांतरण करेंगे तो x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है भाई, यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहां से अपन माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस से कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये आपके पास में बन जाएगा वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई और ये फिर एक्स क्यूब प्लस में बन जाएगा अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इनको दोनों को तो हम अलग कर लेंगे और एक्स क्यूब को हम अलग कर देंगे, तो इनमें से दोनों में से वाई आ जाएगा कॉमन, तो बनेगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसका कर लेंगे आप लोग पक्षांतरण। इसका पक्षांतरण हम लोग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और पक्षांतरण कर लिया तो माइनस वन माइनस टू वाई इंटू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन को हमने रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में लिख दिया है, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। अब ये रैखिक अवकल समीकरण है तो यहां से P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां P इक्वल टू, देखिए जो y का गुणांक है ये आपके पास में P बन जाएगा, तो y का गुणांक आपके पास में है माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे आप लोग यहां से तो बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरे इसके बाद में हम लोग क्यू देखेंगे, तो क्यू इक्वल टू, क्यू आपके पास में आ गया ए एक्स क्यूब, यहां एक्स से एक्स कैंसिल भी हो जाएगा तभी आपके पास में बचेगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे समाकलन गुणांक आई एफ। आई एफ हम लोग ज्ञात करें, सबसे पहले आई एफ हम जानते हैं कि पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, की पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, पी का मान आपके पास में है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड हम लोग कर देंगे वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, तो इसका गुणनखंड आपके पास में जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, और अब हम लोग यहां से इसको आंशिक बिंदु में वियोजित करके समाकलन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आंशिक बिंदु में वियोजित करेंगे, आंशिक बिंदु में वियोजित करने के लिए माना टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी बटा वन माइनस एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, हल करते हैं, देखिए इसको क्या बनता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ए एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा तब आपके पास में बचेगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस बी, वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचा एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस सी, वन प्लस एक्स जब कैंसिल हो जाएगा तो बचा है एक्स और इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है,
अब इसको हल करके हम लोग एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करके एबीसी का मान ज्ञात कर देता हूँ। एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे 0, माइनस 1 और प्लस 1। सबसे पहले देखिए, जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे, एक्स का मान 0 करेंगे तो यहां से 1 माइनस 0 यानी 1, 1 प्लस 0 यानी 1, तो बन जाएगा a, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इक्वल टू। इधर से x का मान 0 करेंगे तो आपके पास में a का वैल्यू मिल गया माइनस 1। x का वैल्यू अगर हम लोग प्लस 1 कर दें, x का वैल्यू जो 1 करेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और ये 1 प्लस 1 2, और ये 1 तो 2 भी बन गया, ये फिर से 0 हो जाएगा, इक्वल टू। x का वैल्यू 1 करिए तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, देन b इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसके बाद में x का वैल्यू हम लोग माइनस 1 कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 1, और जब x इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो देखिए भाई माइनस 1 प्लस 1 0 बन जाएगा, यहां से भी 0 बन जाएगा। x का वैल्यू माइनस 1 किया तो ये माइनस 1 हो गया, और x का वैल्यू माइनस 1 किया तो ये प्लस 2 हो गया, तो माइनस 2 से बन जाएगा और इक्वल टू। इधर से x का वैल्यू माइनस 1 अगर हम यहां करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो c का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। ये हमने ए बी और सी का मान ज्ञात कर लिया। अब ए बी सी का जो मान है हम लोग यहां पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए क्या बनता है। ठीक है भाई, तो आई एफ इक्वल टू की पावर इंटीग्रेशन, देखिए ये जो था आपको, आपने इसको इस प्रकार से लिखा a बटा x, a का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया माइनस 1, तो इसको आप लिखेंगे माइनस 1 अपॉन x प्लस b का मान अपने पास में आ गया 1/2, तो 1/2, और यहां से आपके पास है 1 माइनस x, और प्लस सी का मान भी 1/2 है, माइनस 1/2 है, और बटा में आपके पास में है 1 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे इसका, देखिए बन जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, लॉग एक्स बन जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स, और x का गुणांक क्या माइनस 1 है, तो माइनस 1 से जब बात करेंगे तो माइनस आ जाएगी, फिर यहां से माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस x का लॉग 1 प्लस x। ठीक है भाई, तो e की पावर माइनस कॉमन आ जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अब ये आपके पास में बन जाएगा लॉग, देखिए x है और ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे ना, सारे प्लस हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन लेने पर, और 1/2 को अंदर लेंगे तो घात बन जाएगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखें ये जो माइनस है इसको अंदर ले लोग के तो घात बन जाएगा, और घात माइनस 1 और e की पावर लोगे तो कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स, और ये रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने ज्ञात कर लिया आई एफ, और आई एफ आ गया तो वो अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए ये आप लिखेंगे वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, वेरी पुट कर दीजिए, तो y इंटू आई एफ, आई एफ हमने ज्ञात ही कर लिया 1 अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, और q का जो वैल्यू है ये अपने पास में था a एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू q के बाद में अपने पास में आई एफ आता, आई एफ का वैल्यू है 1 अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हल कर दीजिए भाई, x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच्चा इंटीग्रेशन ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर
थ्री बाई टू डी एक्स। अब समाकलन इसका हम लोग करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अवकलन जब करेंगे तो बनता है माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तब एक्स डी एक्स आपके पास में बन जाएगा माइनस वन अपॉन टी डी टी, वन बाई टू डी टी, तब ये आपके पास में बनेगा वाई बटा एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर का जब प्रतिस्थापन किया हमने तो माइनस वन अपॉन टू एक्स डी एक्स डी टी बन चुका है, तो यहां पर एक्स डी एक्स बनेगा माइनस टू, हाँ एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन टू, और ए भी आंसर है तो मैं ए को भी लिख देता हूं। फिर अपने पास में ऐसे बन जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू, तो डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू यानी ऐसा बन जाएगा माइनस टी की पावर माइनस थ्री बाई टू। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसकी घात एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे तो माइनस एक बटा दो बन जाएगी, और माइनस एक बटा दो का जब आप लोग भाग देंगे तो ये माइनस एक बटा दो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा आपके पास में ए, और माइनस एक बटा दो बचेगा किसकी टी की, तो वन बन जाएगा वन अपॉन टी की घात वन बाई टू, और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और घात एक बटा दो का मतलब इसका रूट और प्लस सी। समीकरण के दोनों पक्षों को एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा वाई इक्वल टू ए, यहां से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस सी, और एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये अपने पास में आ गया दिए गए अवकल समीकरण का हल। नेक्स्ट अगला अवकल समीकरण हम लोग देखेंगे आप, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, अवकल समीकरण है वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई इस अवकल समीकरण को हम हल करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले हम मानक रूप में लिखेंगे, देखिए रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक बार हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग करेंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू वाई इक्वल टू एक्स, और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण। तो यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो यहां से हम लोग p और q का वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो यहां p इक्वल टू ये जो y का गुणांक है p बन जाएगा, तो यह आ गया टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और q इक्वल टू एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब p और q दोनों हमने ज्ञात कर लिए, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे आई एफ, तो आई एफ इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर p का वैल्यू आपके पास में है टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू e की पावर। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन करते हैं, माना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स बनेगा डी टी, तो टू एक्स डी एक्स माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी का समाकलन हम जानते हैं भाई लॉग टी हो जाएगा,
और इसको माइनस एक को जब अंदर लेंगे तो इसकी घात बनेगा और टे की घात माइनस एक, और इसको जब हल कर देंगे तो ये आपके पास में रहेगा वन अपॉन टे। भाई ये अपने पास में आ गया आई एफ वन अपॉन टी, टी का वैल्यू तो पुट कर देना है, मैं टी का वैल्यू पुट कर देता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर घात माइनस एक का मतलब वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल, अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। देखिए इसके जो सॉल्यूशन है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो y इंटू आई एफ आपके पास में है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, जो का मान है x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और आई एफ आपके पास में है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हल करेंगे तो y अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको आपने हल कर दिया तो ये बन गया x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू डी एक्स, देन y अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए भाई इसको हल करेंगे आप लोग तो प्रतिस्थापन करेंगे, माना कि वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम टी करेंगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स आपके पास बनेगा डी टी, एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस वन बाई टू, और फिर बन गया डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू। अब डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू उसको आप लिखोगे टी की पावर माइनस थ्री बाई टू डी टी, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो टी की पावर माइनस वन बाई टू, तो टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया वन माइनस एक्स स्क्वायर, पावर माइनस वन बाई टू का मतलब ऐसे बन जाएगा ना बटा में जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और घात एक बटा दो का मतलब हो जाएगा रूट, और माइनस एक बटा दो का जैसे आप लोग बात करेंगे तो ये माइनस एक बटा दो जाएगा कैंसिल, और प्लस अचर मिल गया सी। अब समीकरण के दोनों पक्षों को वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों को जब वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह हमें मिल गया दिए गए अवकल समीकरण का हल। धन्यवाद।